Hello everyone, I am Amanpreet Kaur, welcomes you all to my channel. Today I am going to introduce about science. So before coming to the exact meaning of science, let me tell you one thing. So student, do you ask questions? And why do you ask questions? Aapne kabhi dekha? Have you ever seen? Butterflies sit on the flower, birds fly in the sky. Earth revolves around the sun. In the similar way, whenever we see anything, number of queries means number of questions arises in our mind. And wo questions kya hote hain? Why, what, when and how. Means ye kyun hota hai, kaise hota hai, kab hota hai. Ye questions kyun arise hoti hain? Because man jo hai, man is curious by nature. Man wants to know the answer of each and everything. So answer kya hai? Answer to all these queries is in the single word, and that word is science. So science kya hai? Science jo hai, science Latin language ke word se arise hua hai. Latin language ka jo word hai scientia, isse science ka origin hua hai. और साइंशिया का मीनिंग क्या होता है? साइंशिया मीन्स सिस्टेमेटिक नॉलेज. अब साइंस के फादर कौन थे, या हु इज द फादर ऑफ साइंस? तो जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस. एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस. Now students, I am talking about the systematic knowledge. मैंने अभी आपको बताया कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज है. सो सिस्टमेटिक नॉलेज, लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल कि सिस्टमेटिक नॉलेज क्या होता है. आपको पता है कि साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज कैसे है? सपोज हम एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि आपको लेमन जूस को बनाना है. तो आप लेमन जूस कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि लेमन जूस को प्रिपेयर करने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है. इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है. लेमन रिक्वायर्ड है, शुगर रिक्वायर्ड है, सोल्ट रिक्वायर्ड है. ओके, वट एवर वी नीड टू मेक द लेमन जूस. ओके, आफ्टर देन हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस करते हैं. हम ये हाइपोथेसिस का मीन्स हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमें वन ग्लास लेमन जूस प्रिपेयर करना है तो हमें 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करना होगा. अब ये हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को हम वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई हम करते हैं विद द एक्सपेरिमेंटेशन. और एक्सपेरिमेंटेशन से हमें क्या मिलता है, फाइनली कंक्लूजन. कंक्लूजन हमें क्या देता है, हमें फैक्ट देता है कि अगर हमें 1 ग्लास लेमन जूस को प्रिपेयर करना है तो हमें 1/4 जो है वाटर लेना होगा, एंड देन 1/4 टीस्पून शुगर ऐड करना होगा, एंड सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड 1/2 लेमन. तो ये जो अब हम डील, हम क्या स्टडी करेंगे, कैटेगरीज क्या होती है. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है सिस्टमेटिक नॉलेज क्या इंक्लूड करती है, 4 स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मीन्स, ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि किन इंग्रेडिएंट्स की नीड थी. सेकेंड जो आपका स्टेप आता है, वो स्टेप आता है आपका हाइपोथीसिस. हाइपोथीसिस के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है लेमन शुगर. थर्ड जो स्टेप आता है, हम क्या करते हैं, हमारी हाइपोथीसिस को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं. और वेरिफिकेशन कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट से. एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन. और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या देता है, फाइनली द फोर्थ स्टेप, दैट इज कंक्लूजन. एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप. सो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज में ये 4 कैटेगरीज आती हैं. और ये 4 जो स्टेप्स आते हैं, ये साइंस की एक कैटेगरी का पार्ट है. एंड दैट फर्स्ट कैटेगरी इज द बेसिक साइंस.
बेसिक साइंस क्या इंक्लूड करती है? बेसिक साइंस का मीनिंग होता है नोइंग समथिंग। तो यहां से साइंस की क्या डेफिनेशन फाइंड आउट की हमने, कि साइंस क्या होता है? साइंस होता है, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज विच वी एक्वायर, एक्वायर मीन जो हम गेन करते हैं, कैसे? एक्सपेरिमेंटेशन से एंड ऑब्जर्वेशन से। तो ये तो थी बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का मीनिंग मैंने सिंपली आपको क्या बताया? Knowing something। अब second जो category आती है वो category आती है second most, that is applied science। तो applied science क्या होती है? Applied science जो होती है वो totally based होती है basic science पे। Same example हम consider कर रहे थे, हमने lemon juice को prepare किया। अब उस लेमन जूस को हम यूज कहाँ करते हैं? तो लेमन जूस को हम यूज कहाँ करते हैं? टू क्योर द इनडाइजेशन, सेकेंड टू रिड्यूस द ब्लेमिशिंग ऑफ द स्किन। तो जो हम यूज करते हैं, दैट यूज जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है? अप्लाइड साइंस में। तो अप्लाइड साइंस किस पे बेस्ड है? बेसिक साइंस पे। बेसिक साइंस का मीनिंग था नोइंग समथिंग। अप्लाइड साइंस जो है वो बेस्ड होता है बेसिक साइंस पे। लाइक हम एग्जांपल कर रहे थे कि लेमन जूस हमने किया, लेमन जूस का यूज मैंने अभी आपको बताया। तो अप्लाइड साइंस का मीनिंग क्या होता है? यूजिंग व्हाट वी नो, जो हमें पता है उसको हम कैसे यूज करते हैं। अप्लाइड साइंस मीन्स हम इसमें करते क्या है? जो भी साइंटिफिक प्रोसेस था उसको हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज टू कैटेगरीज ऑफ साइंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रांचेस। सो फॉर दैट अगेन कंसीडर अ सिमिलर एग्जांपल। I have this tray in my hand, so मुझे क्या करना है? मुझे वन ग्लास जो है लेमन जूस को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है? मैंने वन क्वार्टर जो है वो क्या किया? वन क्वार्टर वाटर फिल किया ग्लास में। देन मैंने क्या किया? मैंने वन क्वार्टर टीस्पून शुगर को इसमें ऐड किया और कॉन्स्टेंटली स्टर किया। स्टरिंग से क्या होगा? जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और जो एक नया सॉल्यूशन बन जाता है। अब सेकंड ये जो था जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ये होती है डियर फर्स्ट ब्रांच, एंड दैट इज केमिस्ट्री। सेकंड में मैंने क्या किया? मैंने इस अपरेटस को यूज किया, मैंने क्या किया? इस लेमन पीस को इसमें एडजस्ट किया और मैंने क्या किया? इस अपरेटस के ऊपर फोर्स लगाया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो वन बाय वन लेमन की जो ड्रॉप्स हैं वो इसमें ऐड हो रही हैं। तो इन दिस वे मैं क्या करूंगी? मोर वाटर को ऐड करूंगी। तो ये जो मेरा है फोर्स की जो स्टडी है, फोर्स की स्टडी जो आती है वो आती है हमारी फिजिक्स में। अब ये लेमन जूस रेडी है तो मैं क्या करूंगी? लेमन जूस जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है दैट इज बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली थ्री ब्रांचेस ऑफ साइंस। थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस आर, द वन इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज, what is chemistry? Chemistry is that branch of science which deals with the study of formation of new substance when two or more substance react with each other. And the second one is physics. Physics is that branch of science which deals with the study of substance in and beyond the universe. And the third one is biology. Biology is the study of all living organisms. Living organism include plant, animals and microorganisms. So these were the main three branches of science. So student, you have heard one thing, ki
नाउ अ डे हम क्या नॉर्मली कहती हैं कि विज्ञान और तकनीकी का युग है, तो तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, किसी न्यू सब्सटेंस को क्रिएट करने की जो साइंस है, दैट साइंस इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, what you have learned I have made it for you, so you should develop the scientific temperament. Scientific temperament क्या होता है? Scientific temperament का meaning होता है कि whenever you see anything, आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो you have to find out the answer of all these queries. So with this, thanks to all.